Hello everyone and welcome back to Insomniac Studios. My name is Chetan and this is the lecture 1 of our newly launched music production course. And today in this video, we're gonna talk about music production. Oh bhai, meri do baat sun. Oh, shit. Pehli baat, ye jo tumhari train hai, ye hindi mein kyon nahi aa rahi hai? Angrezi kahe bol rahe ho yaar? है? और दूसरी बात, म्यूजिक प्रोडक्शन के कोर्स में तुम म्यूजिक प्रोडक्शन के बारे में ही बताओगे ना, ये क्या बात हुई, किसी और चीज के बारे में थोड़ी बताओगे। आज हम सिखाएंगे म्यूजिक प्रोडक्शन। क्या यार, ऑल राइट। अबे ऑल राइट भी अंग्रेजी वर्ड होता है, हिंदी पे आ जा चुपचाप। ओके, तो वापस आ जाते हैं हिंदी पे। ये फर्स्ट लेक्चर है हमारे म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स का एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूजिक प्रोडक्शन के बारे में। एग्जैक्टली म्यूजिक प्रोडक्शन क्या है? ये कोर्स बाकी सारे कोर्स से डिफरेंट है बिकॉज इस वीडियो में, इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा नहीं, कुछ भी चीज मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। सो दिस इज द यूएसपी ऑफ आर म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स। एंड जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें आपने बहुत सारा प्यार दिया है, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड जितना आपने प्यार दिया है, मैं ट्राई करूंगा उससे ज्यादा ही मैं आपको रिटर्न कर पाऊं इस कोर्स के थ्रू। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, ये वीडियो आप थोड़ा सा फ्रेश माइंड से देखना। अगर आप थोड़ी देर से, एक दो घंटे से या फिर आधे घंटे से, 20-25 मिनट से आप YouTube पे वीडियोस देख रहे हो, Instagram पे रील्स देख रहे हो, देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो। एंड जब आप फ्रेश हो, बिल्कुल फ्रेश माइंड से आप इस वीडियो को देखना। अगर अभी फ्रेश माइंड नहीं है, वीडियो को छोड़ दो बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, बहुत ही बेसिक चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। नाउ आई गेस आप लोगों का माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा एंड आप रेडी हो फर्स्ट लेक्चर के लिए। तो सबसे पहले म्यूजिक प्रोडक्शन, म्यूजिक प्रोडक्शन का एग्जैक्टली मतलब क्या है? तो म्यूजिक प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो इसमें दो वर्ड्स है, फर्स्ट इज म्यूजिक एंड सेकेंड इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को अभी हटा दो, बात करते हैं म्यूजिक की। अब एग्जैक्टली म्यूजिक क्या है? यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करो, एक पेपर लो या फिर किसी कॉपी में आप लिखो कि एग्जैक्टली आपके हिसाब से म्यूजिक क्या है। अब आप में से कुछ लोगों का शायद आंसर ये होगा, सॉन्ग्स, गाने, हॉलीवुड के हो, बॉलीवुड के हो, ये आते हैं हमारे म्यूजिक के अंदर। लेकिन अगर आपका आंसर ये है तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा यहाँ पे, बिकॉज म्यूजिक सिर्फ ये सॉन्ग्स नहीं होते हैं, म्यूजिक बहुत ही ज्यादा वाइड एक कैटेगरी में बोलूंगा है। अब इस कैटेगरी में बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले आपने इस वीडियो पे क्लिक करा, आप ये वीडियो देख रहे थे, उससे पहले शायद आपको एक एड आया होगा। एड में स्विगी, जोमैटो या फिर किसी भी A to Z किसी भी कंपनी का हो, कहीं ना कहीं छोटा सा एक म्यूजिक भी यूज हुआ होगा। अगर आपको थोड़ा सा याद नहीं है तो आप किसी भी वीडियो पे देख सकते हो या फिर इसी वीडियो को फिर से देख सकते हो, एड आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो म्यूजिक वहां पर भी है एंड आपने बहुत सारे बच्चों के जो पोएम्स हैं, राइम्स हैं, वो सब भी सुने होंगे, तो वो भी हम म्यूजिक की कैटेगरी में ही इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस में भी होते हैं, उसको भी हम म्यूजिक की कैटेगरी में ही कंसिडर करते हैं। नाउ अब जो आपकी सोच है वो थोड़ी सी और वाइड हो गई होगी कि म्यूजिक में इतना सब कुछ भी आता है, म्यूजिक की कैटेगरी में इतना सब कुछ आता है। हाँ जी, इतना सब कुछ आता है एंड हम आगे जाके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाउ आवर सेकंड वर्ड व्हिच इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एग्जैक्टली क्या है? प्रोडक्शन का मतलब क्या है? किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना, किसी भी चीज को बनाना। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, टैंजिबल या फिर इनटैंजिबल। टैंजिबल जिसको आप छू सकते हो, लाइक कुछ अगर आप फिजिकल चीज बना रहे हो, आप लाइक स्वेटर अगर कोई बना रहा है, आपकी दादी नानी स्वेटर बनाती होंगी, सो स्वेटर बनाना एक आर्ट है, वो जो फिजिकल चीज बन रही है सो वो प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम बात करें इनटेंजिबल की, तो आप म्यूजिक बना रहे हो, आप वीडियो बना रहे हो, इस टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, इस चीज को मैं छू नहीं सकता हूं, ये इनटेंजिबल है। तो यहां से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ना, प्रोड्यूस कर रहा हूं ना, सो प्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब है किसी भी चीज को बनाना। एंड अगर हम प्रोडक्शन और ये जो म्यूजिक वर्ड थे, इन दोनों को अगर मिला दें तो बन जाता है म्यूजिक प्रोडक्शन। एंड इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ म्यूजिक को बनाना। तो यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है म्यूजिक प्रोडक्शन वर्ड को एंड हमें ये पता चला कि म्यूजिक प्रोडक्शन का मतलब होता है म्यूजिक को बनाना। नाउ अगेन एक क्वेश्चन आता है कि म्यूजिक को बनाए कैसे, म्यूजिक को हम क्रिएट कैसे करें। तो म्यूजिक को क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए साउंड।
कुछ भी साउंड, वो कुछ भी चीज हो सकती है। आप किसी भी टाइप से साउंड को क्रिएट करो। फर्स्ट लाइक मैं अगर बोल रहा हूँ या फिर कोई सिंगर है सो वो गाना गा रहा है या फिर कुछ भी, ए टू जेड रैप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सो साउंड वहां पे आ रही है, हम उससे म्यूजिक को बना सकते हैं। सेकेंड, हम इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, पियानो, गिटार, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, हम उसको प्ले कर रहे हैं तो वो साउंड जनरेट करेगा, हमारे पास वो साउंड आएगी, हम उससे म्यूजिक को बनाएंगे। आप बोल सकते हो ये जो म्यूजिक प्रोडक्शन है ना, हमारे पास एक साउंड होनी चाहिए, या फिर अगर हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं म्यूजिक तो कहीं ना कहीं से हमें साउंड जनरेट करनी है, चाहे हम अपने मुंह से उस साउंड को जनरेट करें या फिर कोई हम इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं। मेन चीज आती है साउंड, साउंड हमारे पास होनी चाहिए तभी हम म्यूजिक को क्रिएट कर पाएंगे। नाउ यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर मैं साउंड जनरेट नहीं कर सकता, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, लाइक अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं गाना नहीं गा सकता, इवन मैं इंस्ट्रूमेंट भी प्ले नहीं कर सकता, मुझे इंस्ट्रूमेंट प्ले करना नहीं आता, चाहे वो गिटार हो चाहे वो पियानो हो, लेकिन फिर भी मैं कैसे म्यूजिक को बना लेता हूँ? तो यहाँ पे म्यूजिक को बनाने के लिए मैंने आपको बताया था साउंड चाहिए। अगर आप सिंगर नहीं हो, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना नहीं आता है, बट आपको साउंड चाहिए म्यूजिक को बनाने के लिए, तो आपको रिक्वायरमेंट होगी सैंपल्स की। सैंपल्स, साउंड, किसी ने गिटार प्ले किया एंड फिर उसको रिकॉर्ड किया एंड जो रिकॉर्डेड फाइल है उससे आप म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें एक चीज और समझ में आती है कि म्यूजिक को क्रिएट करना, म्यूजिक को प्रोड्यूस करना, हम बोल सकते हैं म्यूजिक को अरेंज करना, बिकॉज हमारे पास जो साउंड्स होंगे, हमारे पास जो सैंपल्स होंगे, उसको हम अरेंज करेंगे अपने DAW में, जिसको बोलते हैं डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, आप सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो, सॉफ्टवेयर जिसपे हम म्यूजिक बनाते हैं। तो म्यूजिक प्रोड्यूसर को, म्यूजिक प्रोड्यूसर वो हुआ जो म्यूजिक को क्रिएट कर रहा है, म्यूजिक को बना रहा है, एंड हमें अपने मुंह से साउंड जनरेट नहीं करनी आती है या फिर इंस्ट्रूमेंट से साउंड जनरेट करनी आती है, सो हम म्यूजिक के जो सैंपल्स होते हैं उसको यूज करके हम म्यूजिक को अरेंज कर सकते हैं, इस टाइप से उन सैंपल्स को अरेंज कर सकते हैं कि वो एक म्यूजिक बन जाए पूरा। अब आप में से शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि म्यूजिक को जस्ट अरेंज ही तो करना है, ये तो बच्चों का खेल हुआ, सुनने में काफी ज्यादा इजी लग रहा है, कुछ भी उठा के अरेंज कर दो एंड म्यूजिक बन गया, इतना आसान है क्या? नहीं मेरे लाल, बिल्कुल नहीं, इतना आसान नहीं है। म्यूजिक को अरेंज करना, म्यूजिक प्रोड्यूसर जो म्यूजिक को क्रिएट करेगा, हमें सैंपल्स को इस टाइप से अरेंज करना है कि जो हमारा सॉन्ग है वो अच्छा साउंड करे। इसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए म्यूजिक थ्योरी की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आना चाहिए या फिर आपको सीखना है, नहीं, बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है आप बहुत ही अच्छा उससे म्यूजिक बना सकते हो। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि म्यूजिक को अरेंज करना है जिससे वो अच्छा साउंड करे, लेकिन कैसे वो अच्छा साउंड करेगा, हमें क्या करना होगा उसके लिए? तो देखो, म्यूजिक में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ये नहीं कि जस्ट आपको एक कोई सैंपल मिल गया, फाइल मिल गई, आप उससे पूरा म्यूजिक बना लोगे, नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी टाइप की साउंड्स होती हैं, जिसको आप कंबाइन करते हो, अरेंज करते हो, उसके बाद एक सॉन्ग बनता है। तो क्या म्यूजिक को अरेंज करने वाली चीज इतनी ईजी अब आपको लग रही है? नहीं। तो मैं आगे कोर्स में आपको बताऊंगा कि हाँ ये इजी है अगर आप कुछ चीजों को फॉलो करते हो। नाउ ये जो हमें अरेंज करना है म्यूजिक जिससे वो अच्छा साउंड करे, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? तो फर्स्ट चीज म्यूजिक थ्योरी, जिसके बारे में मैं आगे चल के आपको इस कोर्स में बताऊंगा, एक प्रॉपर लेक्चर होगा उसके लिए, बेसिक चीजें होंगी, आप उससे सारी चीजें सीख जाओगे। देन उसके बाद यहाँ पे एक और चीज आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारी सैंपल्स हैं आपके पास, एक म्यूजिक में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्लैश भी करेंगे, उनको कैसे अच्छे से मिक्स करना जिससे वो अच्छे साउंड करें। लाइक अगर आपने सुना होगा गाने में, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक साथ में एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें प्ले हो रही होती हैं, तो उसको कैसे अच्छा बनाएं, इसका एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं मिक्सिंग। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कैसे हम उसको मिक्स करें, बहुत सारे साउंड्स हैं, इंस्ट्रूमेंट नहीं, बहुत सारे साउंड्स, अभी आप सोचो बहुत सारे साउंड्स हैं, कैसे वो उनको हम अच्छे से ब्लेंड करें, मिक्स करें जिससे वो अच्छे साउंड करें। अब मिक्सिंग का पार्ट भी है ना, वो म्यूजिक प्रोड्यूसर को ही देखना पड़ता है, एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेवल करना, अपना वॉल्यूम लेवल सेट करना सबसे मेन चीज़ तो यही है, देन उसके बाद फ्रिक्वेंसीज के आपको देखनी है किस फ्रिक्वेंसी रेंज में है, सारी चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। मेनली अभी आप समझो
मिक्सिंग भी पार्ट होता है म्यूजिक प्रोडक्शन का। यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, मैंने आपको बताया म्यूजिक प्रोडक्शन के दो पार्ट हैं, फर्स्ट इज अरेंजमेंट एंड सेकंड इज मिक्सिंग। इन दोनों के अलावा थर्ड पॉइंट मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा, क्रिएटिव अरेंजमेंट। अब ये क्या चीज हुई, ये चीज वैसे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इन डिटेल, बट मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ इसके बारे में। क्रिएटिव अरेंजमेंट क्या हुआ, एक सैंपल है, आज की डेट में बहुत सारे सैंपल्स हैं एंड वो एक्सेसिबल है सबके पास, मतलब आप भी उसको एक्सेस कर सकते हो, उससे आप म्यूजिक बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ और भी बहुत सारे लोग बना सकते हैं। अब सिर्फ उसको उठा के सीधा अपने अरेंज कर देना अपने प्रोजेक्ट में, तो क्या वो कुछ क्रिएटिव चीज हुई? नहीं ना। ऐसा तो अगर 10 लोगों ने करा तो 10 के 10 लोगों का सॉन्ग सिमिलर ही होगा, वो मेलोडी सेम ही होगी। तो क्रिएटिव अरेंजमेंट क्या है कि एक चीज को, एक साउंड को ही आप इस तरीके से अरेंज करो, या फिर इस तरीके से आप मिक्स भी बोल सकते हो, मिक्स करो या फिर अरेंज करो, जिससे वो थोड़ा सा यूनिक साउंड करे। सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको ये बता दिया है, आगे चल के इसके ऊपर भी लेक्चर आएगा। सो यार दैट वाज इट, ये था फर्स्ट लेक्चर। यहाँ पे आज हमने सिर्फ वर्ड के बारे में बात करी है, म्यूजिक प्रोडक्शन वर्ड के बारे में। बहुत ही बेसिक से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, जो अभी नया सीखने वाले हैं, जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, सो उनके लिए भी काफी चीजें ईजी हो जाए। दैट इज वाई इस तरीके से कोर्स को मैंने डेवलप किया है, इस तरीके से मैं कोर्स को बना रहा हूँ, जिससे एक अगर न्यूबॉर्न बेबी भी है ना, तो वो भी इस कोर्स को देख के सीख जाए। आज फर्स्ट लेक्चर था, मैं आपको FL स्टूडियो पे जाके भी बेसिक चीजें बता सकता था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा, एंड यही टैगलाइन होगी हमारे कोर्स की। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से, इस लेक्चर से जरूर कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर अपना प्यार मेरे को देना, स्माइली या फिर कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो, एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।